बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा 15 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद जिला प्रशासन ने जिले के सभी थाना अध्यक्ष को गाइडलाइन पालन करने को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसके बाद जिले के सभी थाना की पुलिस द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में सख्ती देखने को मिली है। इसी क्रम में आज कुडनी असलाधिकारी रंभू ठाकुर और मनियारी थाना प्रभारी अजय पासवान दलवल के साथ थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन पालन करवाने को लेकर कार्रवाई करते नजर आए। कई लोगों को समझाया तो कहीं सख्ती करते नजर आए, साथ ही आगे से गलती ना करने की भी हिदायत दी है। थाना क्षेत्र में कार्रवाई करने के बाद अचलाधिकारी के देखरेख में मनियारा थाना क्षेत्र के बागी चौक पर जिले के सीमा को सील कर दिया गया है। आज का शुरुआती लॉकडाउन काफी सफल रही, जो भी 11 बजे से तक सारी दुकानें जो भी सरकारी घोषणा के तहत जो दुकानें खुली हुई थी किराना और दूध फल सब्जी की, उसको सबको बंद करा दिया गया है। और अभी जो महुआ रोड में बाघी पर जो बॉर्डर है वैशाली और मुजफ्फरपुर का, उसको सील करने की प्रक्रिया चल रही है। कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जामा खान। जिले में कोरोना महामारी के कारण बिगड़ती व्यवस्था को देखते हुए लगभग आधा दर्जन से अधिक अस्पतालों का निरीक्षण किया। चिकित्सकों की ड्यूटी को देखकर मंत्री जी गदगद, कोरोना मरीजों के साथ किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होने का बयान दिया। मंत्री जामा खान ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, जिसको रोकने के लिए सरकार ने पूरी बिहार में 15 तारीख तक लॉकडाउन लागू कर दिया है। जरूरत है सभी को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का। उन्होंने कहा कि कैमूर जिले के लगभग आधा दर्जन से अधिक अस्पतालों का निरीक्षण उन्होंने किया है, यहाँ व्यवस्था से वो संतुष्ट है। बिना काम का लोग बाहर न निकले, चले तो मास्क लगा कर चले। दूसरी चीज ये है कि हॉस्पिटल के अंदर जो बेड है, बेड बढ़ाया गया है, जरूरत पड़े भीड़ बढ़ेगी, ऑक्सीजन का कमी नहीं होने दिया जाएगा। जो इंजेक्शन आता है, जो कोरोना होने का इंजेक्शन लगता है, उसी कमी थी। आज 180 हुआ है कोटा, कल तक 180 आ जाएगा। इस जिले के अंदर निश्चित तौर पर आप लोगों के आशीर्वादों की बदौलत मैं अस्पताल में बेड की कमी नहीं होने दूंगा, ऑक्सीजन कमी नहीं होने दूंगा और इंजेक्शन का भी कमी नहीं होने दूंगा। मुजफ्फरपुर में इन दिनों टैक्सी यूनियन की मनमानी से रेल यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। जिला परिषद मार्केट में अवैध रूप से टैक्सी स्टैंड चला रहे हैं। लॉकडाउन से बाहर आने वाले यात्रियों के लिए प्रशासन की ओर से किसी तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर स्टेशन के स्टैंड संचालक राणा रंजीत सिंह का कहना है कि टैक्सी यूनियन के नेताओं की दबंगई पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये लोग गाड़ी स्टैंड में लगवाकर मालिक से अवैध उगाही कर रहे हैं। रोक लगाने के बाद जिला परिषद मार्केट में गाड़ियां लगवा रहे हैं। जी, हम लोग गुवाहाटी से आए हैं, यहाँ पे पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कोई भी गाड़ी जाने को तैयार नहीं। स्टेशन पर कोई गाड़ी नहीं मिली? नहीं मिल रही है। हम लोगों को जाना है यहाँ से, पहले मुजफ्फरपुर 0 माइल जाएंगे और उसके बाद में 0 माइल से गंज बाजार तक जाना था। गाड़ी नहीं मिल रही। क्या कारण बताया जा रहा? अभी तो देख रहे हैं ओला पे शायद कुछ मिल जाए, ओला उबेर देखे हैं, तो उबेर पे तो कुछ नहीं है, ओला पे शायद बोल रहे हैं कि बाइक मिलेगा, चेक कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो रिक्शा उक्शा देखेंगे, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा। नाम क्या हुआ? ऋतिक। पूर्णिया में कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लगातार लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन निरीक्षण कर रहे हैं। पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार और पुलिस अधीक्षक दया शंकर ने शहरी इलाकों का न सिर्फ निरीक्षण किया बल्कि दंडात्मक कार्रवाई भी की। इस दौरान चोरी छिपे दुकान खोलने वाले लोगों पर FIR भी दर्ज किया गया। पूर्णिया SP दयाशंकर ने कहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर FIR होगा, साथ ही साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी राहुल कुमार ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में लॉकडाउन का उल्लंघन अपराध माना जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पूरे जिले में राज्य के साथ ही लॉकडाउन लागू है आज से 15 तारीख तक, और जो एग्जेम्प्टेड जो शॉप्स हैं, एसेंशियल सामग्रियों की जो दुकानें हैं और अनिवार्य कार्य से जो मूवमेंट है उसको छोड़कर बाकी सब कुछ को पूर्णतया बंद किया गया है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए विभिन्न जगहों पे दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। लोगों से मेरी अपील भी है कि ये जो लॉकडाउन है, ये सबके जीवन की सुरक्षा के लिए है, इसलिए इसमें सहयोग करें और जो सरकार के द्वारा जो आदेश निर्गत किया गया है उसका अक्षरशः पालन करें। जितने भी महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं और स्थान है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट के साथ बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। गश्ती दल लगातार मूवमेंट में है,
और इसको हम लोग पूरी तरह से अक्षर से पालन करवाने में लगे हुए हैं। आम जनता से भी यही अपील है कि कृपया करके 10 दिन तक जो भी एग्जेंशन है उसके अलावा मूवमेंट ना करें। ये कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। औरंगाबाद में जिला पदाधिकारी सौरभ जोड़वाल द्वारा पीएनबी स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में संचालित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर और राम लखन सिंह यादव कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया गया। इन कोविड केयर सेंटर्स पर पहुंचकर जिला पदाधिकारी ने यहां पर उपस्थित चिकित्सकों, नर्सेज और अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात की और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने इलाजरत मरीजों के परिजनों से मुलाकात की और मरीजों के इलाज के बारे में उनके परिजनों से जानकारी ली।